तमिल इंडस्ट्री की तरफ से एक न्यू फिल्म आ रही है लाल सलमान, जिसमें रजनीकांत सर को देखे मैं तो शौक रह गई। अभी तो उनकी जेलर मूवी आई थी जो बॉक्स ऑफिस में तबाही मचे के गई है, और अब और एक मूवी, ये तो कमाल हो गया, ऐसा सोच रही थी मैं। पर फिर पता चलता है कि इस फिल्म में रजनीकांत सर की सिर्फ केमियो है, उनकी फिल्म नहीं है। पर ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, रजनीकांत सर की कोई भी फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, इमोशन है जिसे कभी भूल नहीं सकते। अगर स्टोरी अच्छी भी ना हो तो फिर भी रजनीकांत सर को देख ले तो ऐसा लगेगा फूल पैसा वसूल हो गया। उनका नाम ही काफी है किसी फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए, और यहाँ तो उनकी केमियो है। वैसे डायरेक्टर तो बहुत चालाक है, इसलिए तो टीजर में रजनीकांत सर की छोटी सी झलक दिखा के फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। पर इतना ही काफी है क्या किसी फिल्म को हिट कराने के लिए? क्योंकि हम तो रजनीकांत सर के फैंस हैं, उनके लिए फिल्म तो देख भी लेंगे, मगर बाकी ऑडियंस उनका क्या, वो तो कंटेंट अच्छी होगी तो ही देखेंगे। पर टीजर देखिए, मुझे स्टोरी कुछ खास नहीं लगी, लगभग 1 मिनट 40 सेकंड की टीजर है, जिसे देख कर साफ पता चल रहा है कि फिल्म में स्पोर्ट और धर्म की वजह से आपस में दो प्लेयर के अंदर मतभेद होता देखने को मिलने वाला है। किस तरह धर्म की वजह से दो प्लेयर उसमें पिसते हैं वो दिखाया जाएगा। टीजर में रजनीकांत सर एक मुसलमान के कैरेक्टर निभाते नजर आ रहे हैं, जिसका नाम है मदीन भाई। वैसे इस फिल्म में और एक कैमियो देखने को मिलने वाला है, पुराने क्रिकेटर कपिल देव की। टीजर में ए आर रहमान की बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे काफी अच्छी लगी। ये फिल्म पान इंडिया स्केल में रिलीज होने वाली है। वैसे सिर्फ टीजर देख के फिल्म के बारे में कुछ कहना सही नहीं है, अभी तो ट्रेलर भी आना बाकी है। वैसे आपको टीजर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा खत्म।